सुन रही हो? ओ हमारी अर्धांगनी जी, सुन रही हैं? आ रहे हैं। ओहो, इतना शोर मचाते हैं आप। अरे लाइए लाइए, अरे दीजिए, ये लीजिए। अरे इतना सारा सामान क्या है ये सब? ये भाई लड़का देखने जा रहे हैं, सारी तैयारी करके चलते हैं, तो पसंद आ गया तो वही परीक्षा भी कर देंगे। जब हम सोचना शुरू करते हैं ना पंडिताइन, तो यही चौराहे पर जाके रुक जाते हैं। पर एक आप हैं, जब सोचती हैं तो एकदम दूर तक सोचती हैं। हे महादेव, 15वां रिश्ता देखने जा रहे हैं सृष्टि का, अब अकेली हमारी तो बिटिया ना है, आप भी थोड़ी जिम्मेदारी उठा लो प्रभु। देवर जी, क्या देवर जी, कब से आपको आवाज लगा रहे हैं हम? भाभी अगर आपको कुछ चाहिए था तो हमें पिंक कर देती। अब बताइए भाभी, क्या चाहिए आपको? हमें एक अच्छी सी देवरानी चाहिए। चलिए अब जल्दी जल्दी रेडी हो जाइए, लड़की देखने जाना है। भाभी हम तो तैयार ही हैं, हम कौन सा पीछे हट रहे हैं, लेकिन कोई कायदे की लड़की मिले तो सही हमें पहले। अजी हाँ, आपसे पहले मम्मी जी और बुआ जी तो कोई लड़की ओके करें, 14 से 15 लड़कियां देख चुकी हैं, पर जो लड़की बुआ जी को समझ आती है वो मम्मी जी को पसंद नहीं आती, और जो मम्मी जी को पसंद आती है वो बुआ जी को खटक जाती है। हमें तो समझ ही नहीं आता कि क्या होगा। भाभी जब सही लड़की मिलेगी ना तो किसी को कुछ नहीं खटकेगा। एक बात बोले भैया, हमारा दिल कह रहा है आज जिससे मिलने जा रहे हैं ना, बात वहीं पे जम जाएगी, देख लीजिएगा। सृष्टि, धानी, सृष्टि बेटा। ओह ओ, दानी तू सुधरेगी नहीं ना, ये भगवान। सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि जी मम्मी। अरे दानी, तो हम सृष्टि को ढूंढ रहे हैं, कहाँ है वो, तैयार हुई कि नहीं? हाँ हाँ माता रानी, हम स्वयं तैयार कर रहे हैं उन्हें। मजाक लग रहा है तुम्हें, अरे बनारस जाना है, टाइम लगेगा। अरे फ्री फंड के टाइम की कोई कमी थोड़ी ना हमारे पास। अरे आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा तैयार करेंगे दी को कि लड़का तो देखते ही रह जाएगा। ये एकदम अपने बाप की औलाद, कथाएं चाहे जितनी बचवा लो। अरे बाबा विश्वनाथ के मंदिर में लड़के वाले मिलने आने वाले हैं। सुना ना पापा क्या कहते हैं, जल्दी का काम शैतान का काम। देखिए आराम से सब करते ना तो सब बढ़िया होता है, जल्दबाजी क्यों, फालतू की बातें करती रहती है। कपड़ा लत्ता जेवर सब, सृष्टि हे भगवान, क्या मस्करी लगा रखी है धानी, जान सी बच्ची को चुड़ैल बना दिया, बताओ बांध के रखा है लड़की को, जरा से भी फिक्र नहीं है ना। ए माता रानी, ए मौका आ गए, कम से कम इमारत तो पूरी होने देती। अरे ऐसे मत देखो, हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, आपको पता है ना अगर दीदी अकेले रेडी होती तो क्या होता, बस एक बिंदी लगा लेती, सिंपल सी साड़ी पहन लेती और कहती लो हो गए तैयार। अरे तभी तो लड़के वाले इनकी वैल्यू नहीं कर पाते। अरे 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 किस्मों को संभालेगी ये नन्ही सी जान। सुनो दीदी प्लीज, 2 मिनट की बात है, बैठ जाओ प्लीज, मेरी बात जाने दे उसे, तू जा मुंह धो के, सूखने ही वाला दीदी। अरे तैयार होने देना उसे। मां रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों देते हो हमें जब बार बार टांग अड़ानी होती है तो? तू कुछ समझती तो है नहीं, बस उल्टे सीधे टोटके करती रहती है। मम्मी टोटका नहीं है, फेस पैक कहते हैं। एक बार दीदी का मुंह धुलाना तो देखना, अगर चांद भी फीका ना लगे ना तो बताना मुझे।
सृष्टि चेहरा तो सही में चमक गया है। थोड़ा सा आपको भी लगा दूं? लगाएंगे तो हम तुम्हारे गाल पे। अगर जल्दी से तैयार होके बाहर नहीं है, जल्दी तैयार होके आओ। आ जाइए मेरे देशवासियों, इंजन तैयार है। बोगियां अभी तक तैयार हुई कि नहीं हुई? 15 लड़कियां निकल गई इसी देर सवेर के चक्कर में, और 15 निकल जाएंगी। बाबा कितना? हम रेडी हैं। अच्छा डिलीवरी कब तक होगी? मामा जी ऑल सेट, लेट्स गो। बच्चे तो आ गए, लेकिन हमारी बहना कहाँ रह गई? लगता है हमारे बारे में ही चर्चा चल रहा है। हाँ आ रहे हैं, हमारा भतीजा है सबसे बेस्ट। मम्मी बेस्ट नहीं, बेस्ट। वही बोले हैं हा? अब ऐसे ही किसी को बहू बनाकर तो नहीं ला सकते ना। हमारा भतीजा वेस्ट है तो उसका पत्नी भी तो सुपर वेस्ट होना चाहिए कि नहीं है? आई बात तो बिल्कुल ठीक किया, जो हमारी बहना करती है पूरा वेस्ट करती है। अंग्रेज चले गए और औलाद छोड़ गए। मजाक कर रहा था, जोकिंग जोकिंग। बहना इतना जिद अच्छा नहीं होता। अरे आज का जमाना देखो, सर्वगुण संपन्न लड़की कहाँ मिलेगी? केहू का गाल अच्छा है तो ये अच्छा नहीं तो वो अच्छा नहीं। चलो चलो, आई एम रेडी। समझी सेनोरिटा, किसी की आंखें अच्छी होती है तो किसी के होंठ। थैंक यू लुकिंग प्रीटी भाभी। थैंक यू। ए बहना, ये कहाँ से सर्वगुण संपन्न ले आए? थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए बहना। सुनिए जी, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। हमें हमारे ध्रुव के लिए परफेक्ट लड़की चाहिए, और जब तक ये परफेक्ट लड़की नहीं मिल जाती तब तक हम हमारे ध्रुव की शादी नहीं करेंगे। 11 बजे की फ्लाइट है बनारस की, और 2 घंटे पहले पहुंचना है। हम का मंजीरा बजा रहे थे बाबा। अब तो लगता सही में चलना पड़ेगा। दूल्हे साहब ने नए नए जूते पहने, स्प्रिंग वाले। एक्साइटमेंट जो है ना, उछल उछल के बाहर आ रही है। नहीं भाई, हम सच में लेट हो रहे हैं फ्लाइट के लिए, इसलिए कह रहे हैं। चले अब। चलो भाई, चलो चलिए चलिए आइए। लगता लड़के वाले आ गए हैं। आ जाओ जल्दी, चलो। रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में। तेरा इश्क है जैसे इंद्रधनुष, हर मौसम में वो खिलता है। उसे छोर को तेरी चुनरी के मैं बांध लूं अपनी उंगली से। तेरा इश्क ही मेरी बादत है, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग।
अपनी उंगली से। तेरा इश्क ही मेरी बादत है, मैं रंग जाऊं तेरे रंगने में। हमारी बिटिया सृष्टि फाइनल ईयर में है। इसे घर का सारा काम आता है, खाना पकाना, सिलाई कढ़ाई। आजकल के बच्चे हैं तो मोबाइल पर बैंक वगैरह का काम भी कर लेती है। अब अपने ध्रुव का तो हम क्या ही बोले बहना, मतलब ध्रुव के लिए तो हम क्या ही बोले हैं? दोनों भाइयों ने मिलके संभाल रखा है बिजनेस। वो जो पांडे इलेक्ट्रॉनिक के नाम से जो बड़ी सी दुकान है ना, वो हमारे भाई काशी की है। हाँ, और हाँ, MBA की तैयारी भी कर रहा है, और कोई बुराई भी नहीं है इसमें, ना शराब, ना गर्लफ्रेंड, ना दोस्तों के साथ घूमना, बस काम। अरे बहुत ही अच्छा लड़का है हमारा ध्रुव तो। हाँ अरे अरे अरे, ये तो मेड फॉर ईच अदर वाली बात है। आंटी जी, हम क्या कह रहे हैं ना, दोनों को जरा अकेले में बात करने देते हैं, अपना इंट्रो दे देंगे एक दूसरे को, है ना? एकदम सही बात कही बिटिया रानी। हाँ ध्रुव जी, जाइए जाइए, लेकिन वो स्प्रिंग वाला जूता उतार के जाइएगा। चलिए यहाँ बैठते हैं। अब यहाँ पर बैठ सकते हैं, चलिए। चलिए। क्या हुआ? अब ठीक है? अब सॉरी, आप जरा पानी लेकर आ सकते हैं प्लीज? हम लेकर आए पानी? पानी लेकर आने में कौन सी बड़ी बात है, प्लीज जल्दी। अब सर आराम से सांस लीजिए। बेटर, क्या हो गया अचानक? बड़ी प्यारी लग रही हो। पापा भी वही चल रहा है जो यहाँ चल रहा है, एक लड़का लड़की रिश्ते के लिए मिलने आई थी। धानी नहीं, नहीं, क्या हुआ? चलो ना। धानी नहीं, किसी की ऐसी प्राइवेट बातें नहीं सुनते। अरे क्या दिल यार, बोरियत ना फैलाओ। आप कुछ बोलिए ना। आह, मेरे पीठ पे कुछ काट रहा है, प्लीज चेक करो ना, देखो ना कुछ तो है। कुछ मिला? एक सेकंड, देखते हैं हम। आपकी पीठ के पीछे एक छोटा सा कीड़ा है। प्लीज हिलना मत, मैं निकालने की कोशिश करता।
निकाल दिया। दीदी, वो देखो टैटू। मुझे लगता है यहाँ पे लड़का लड़की से ज्यादा नर्वस है। हमें ना आपको एक बात बतानी थी। हम किसी और से प्यार करते हैं। ठीक है, तो फिर आप उसी से शादी क्यों नहीं कर लेती? हाँ, हम करना तो चाहते हैं, लेकिन एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन? सी, आई हैव टू बॉयफ्रेंड्स। दो बॉयफ्रेंड है। ओके, सो वो क्या बोल रहा है थानी? इसने तो लड़की को जज भी नहीं किया। सो, एक के पास ना बहुत पैसा है और दूसरा सच में हमसे प्यार करता है, तो हम ना डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम किससे शादी करें। इसमें डिसाइड क्या करना? सिंपल है, जो इंसान आपसे प्यार करता है उससे शादी कर लेना, और जिंदगी में प्यार से बड़ी चीज कोई नहीं होती। अरे, लड़की को क्या ज्ञान दे रहा है, पहले अपनी लाइफ सॉर्ट कर लेना। चुप कर। ऑनेस्टी अच्छी लगी हमें आपकी, और सब लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं अपना सारा सच इतनी आसानी से कह पाने की। ऑब्वियसली हम शादी तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप चाहें तो हम दोस्त बन सकते हैं। थैंक यू सो मच। हमें ना बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सेम है। आपका फोन। एक्सक्यूज मी। पानी। थैंक यू। हमें अकेले में बात करनी है। हाँ तो कीजिए ना, किसने रोका है? धानी, हम आते हैं। खाना बनाना आता है ना? जी। क्या क्या बना लेती हो? इंडियन में मोस्टली सब कुछ। चाइनीज नहीं आता? नहीं। तुम्हारे पापा के पास पैसे वैसे तो है ना? देखो, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं, नगर निगम में छोटे बाबू हैं हम। आज की डेट में रेट कार्ड देखोगे तो कोई भी 20 लाख का दहेज देने को तैयार हो जाएगा। तुम हमें ठीक लगी, इसलिए आगे का स्टेप पूछा। पापा के पास पैसे तो है ना? बेचारी अब हाथ पैर जोड़ेगी, गिड़गिड़ाएगी, बार्गेनिंग करेगी कि 20 लाख से थोड़ा सा कम कर लो एंड ऑल दैट। हमारे पापा के पास पैसे नहीं है, तो अगले स्टेप का डिस्कशन बेकार है। हमारी एक चक्की है, ट्यूबवेल है, ट्रैक्टर है जिस पर बैंक का लोन चल रहा है, और घर के अलावा 6 बीघा जमीन है। पर जमीन पर भी बैंक का लोन है। वो पापा ने बुआ की शादी के लिए लोन लिया था। ये सब हम बता रहे हैं ईमानदारी से, इतनी ही ईमानदारी से जितने आपने दिखाई दहेज की डिमांड करते हुए। हम तो शादी के लिए राजी हुए थे, आप तो सौदा कर रहे हैं। आप घूमिए रेड कार्ड लेके, हमें खुद पे बहुत भरोसा है, लेकिन हम पापा पे प्रेशर नहीं डालेंगे। वो देखिए, हमारी छोटी बहन धानी, प्लीज़ उसे दहेज के बारे में कुछ मत बताइएगा। वो क्या है ना, वो अपना गुस्सा हैंडल नहीं कर पाएगी, और जब उसे गुस्सा आता है ना तो वो एटम बम से ज़्यादा भारी पड़ सकती है। हम तो बस आपकी सेफ्टी के लिए बता रहे हैं, बेकार में आपकी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन हम कोई गलत डिमांड थोड़ी ना कर रहे थे, तुम्हें पूरी जिंदगी सुरक्षा प्रदान करेंगे, लाइफ सिक्योर हो जाएगी तुम्हारी।
इतना तो बनता है, अच्छी डील है। डील? शादी रिश्ता होता है सर, अब तो एहसान जताने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या करें अब? आप एक काम करिएगा, आप चलिए वहां और शांति से बोल दीजिए, ये आप सोच के बताएंगे, ठीक है? फिर घर जाके आप मना कर दीजिएगा, आपकी इज्जत बच जाएगी। वाह, चले। हम सोचकर बताते हैं। हम सोचकर बताते हैं। बकवास है, मम्मी आपने ऐसे कैसे होने दिया यार? दीदी, दीदी आपको हमें मंदिर में बताना चाहिए था ना इसके बारे में। अरे हिम्मत कैसी हुई उस चिलगोजे की हमसे दहेज मांगने की? अरे ये क्या बात हुई? दीदी हम आपसे बात कर रहे हैं। अरे पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं करते हम उसकी? आजकल के जमाने में दहेज कौन मांगता है भला, इट्स अ क्राइम। धानी हो गया ना बेटा, अब थोड़ी देर के लिए शांत हो जा। दीदी हमें ना उस लंगूर को बहुत जोर से पीटने का मन करा, मतलब। ओहो बस हो गया, आजकल के जमाने में यही डिमांड्स होती हैं। ऐसी डिमांड होती है? डिमांड अपने आप ऐसी नहीं है माता रानी, इसीलिए है क्योंकि आप जैसों ने ना बार बार धानी जैसों को चुप होने के लिए कहा है। अरे पापा आप क्यों नहीं बोलते कुछ इन्हें? जब तुम चुप हो जाओगी तब हम शुरू कर पाएंगे। बैठो बैठो भाई। देखो उन्होंने हमसे पहले ही ये सब कह दिया था, और फिर आजकल शादी ब्याह में तो ये सब चलता है। और वैसे भी आजकल अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं, हमने तो नहीं देखा आज तक ऐसा कोई भला लड़का जिसे दूसरों की परवाह हो और जिसे दहेज ना चाहिए। आप गलत कह रहे हैं पापा, सारे लड़के एक से नहीं है। उसके दो दो बॉयफ्रेंड थे और तुम कह रहे हो कि अच्छी लड़की थी, गजब है भाई। वो आज के जमाने में ना हर कोई फेक है, और उस लड़की ने ईमानदारी से सारा सच हमें बता दिया। ये छोटी बात तो है नहीं हमारे लिए। बहना आज के जमाने में सत्य कहना बहुत कठिन बात। ये हमारा टाइगर बिल्कुल सत्य बोल रहा है, बात में गहराई भी है और सच्चाई भी है। ये बड़ा लोगों का फैशन होता है, दो बॉयफ्रेंड चार बॉयफ्रेंड। इस पर एक मुहावरा बताता हूं, और जिनके घर अमीरी का शजर लगता है उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। बहना मान लीजिए अगर शादी हो जाती उस लड़की से और शादी की बात पता चलता तो क्या होता? मिल जाता ना दिवाली का बम्पर ड्रा के साथ,
एक के साथ दो फ्री लग जाता ना धक से। अब देखते हैं अगली जब देखने जाएंगे तब क्या गुल खिलाता। चलिए थक गए, मुंह तकरा है मेरा। तो इस पूरे घमासान में धानी जी का दिमाग एक बात पर अटक गया है, सारे लड़के एक से नहीं है। मतलब मंदिर में कोई तो ऐसा खास दिख गया है सृष्टि जी को। वो तो नहीं पता, लेकिन किसी की अच्छाई दिख गई, हौसला सा आ गया। अच्छाई दिखाई दी? ओ बेटा, वो दो दो बॉयफ्रेंड वाला। अरे उसकी लाइफ तो फुल कॉमेडी लगी थी हमें, बेचारा लड़का। भाभी हमें सच में नहीं पता कि वो कौन थी, तो कहां से आई थी। लेकिन एक बात जानते हैं कि उसकी भी शादी की बात चल रही थी, और ये बात तो कंफर्म है कि वो लड़की बहुत ही अच्छी है, वो लाइट है, और उसे एग्जैक्टली पता है कि कब फर्म होना है। सेल्फ रिस्पेक्ट है उसमें, और सबसे बड़ी बात अगर वो चाहती तो उस लड़के का वही तमाशा बना सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। नजर नजर का फेर है धानी जी, आपको वो दिखाई दिया जो उसके साथ हुआ, हमें उसकी अच्छाई दिखाई दी। लड़कियों को तो पूरी दुनिया दो मिनट में जज करने लगती है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उस लड़की की सिचुएशन को समझा, अपना ओपिनियन दिया और उससे दोस्ती की सो अलग। जब इतना इंप्रेस हो ही गए थे उससे, तो कम से कम उसका नाम पता ही पूछ लेते। तो सृष्टि जी, क्या हम भगवान के सामने एप्लीकेशन डाल दें कि आपका रिश्ता इसी लड़के के साथ तय हो जाए जो आपको इतना पसंद आ गया है? लेकिन दीदी एक बात तो है, अगर ये सरकारी बाबू इतने पैसे मांग रहा था दहेज के, तो वो अमीर लड़का, वो तो कितने पैसे मांगता? नहीं, वो ऐसा नहीं था, उसे देख के ही लग रहा था कि उसके मन में लालच नहीं है। तो इसी के साथ हम अपने दर्शकों को बता दें कि सृष्टि दीदी इस लड़के से बहुत इंप्रेस हो चुकी है, लेकिन हाँ एक बहुत ही बड़ा चांस भी गवा दिया है उन्होंने। अभी आप ना हमारे साथ ही रहा करें, अब ये बात तो हमारे दिमाग में आई नहीं, अब कैसे मिलेगी वो हमें? दर्शकों, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो होना है वो होकर ही रहेगा। अगर हमारा मिलना उतना ही था तो उतना ही होगा, अगर मिलना है तो फिर मिलेंगे। वो लड़की मिले या ना मिले, पर ये समझ में आ गया आपके देवर को कि लड़की कैसी चाहिए। तो आज की सभा हम यही समाप्त करते हैं, और धानी जी कृपया आप सो जाइए। ओके।